सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बांसू की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बेटा, हमने संधि का टॉपिक चला रखा था, तो संधि हमारी समाप्त हो गई है। जो विसर्ग व्यंजन संधि थी वो भी हमने पढ़ ली, विसर्ग संधि थी वो भी हमने पढ़ ली। इस प्रकार से हमारा संधि का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ते हैं समास। सबसे पहले आते हैं, यानी समास शब्द किस प्रकार से बना। समास, समास शब्द सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घन प्रत्यय लगने पर निष्पन्न हुआ है। समास शब्द किस प्रकार से, सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घन प्रत्यय लगने पर निष्पन्न हुआ है। सम प्लस अस प्लस घन, घन का क्या शेष रह जाता है, अस, ऐसे शेष रह जाता है, तो सम प्लस अस प्लस घन क्या हो जाएगा, समास है। ठीक है, उसके बाद आता है परिभाषा, यानी कि समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं, समसनम समास है, समसनम समास है, यानी दो या दो से अधिक पदों का मिलकर एक पद या शब्द बन जाना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों का मिलकर एक पद या शब्द बन जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यथा राजपुरुष है, एक उदाहरण है बेटा राजपुरुष है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये तो है हमारा समस्त पद राजपुरुष है, और यह है विग्रह राज्य पुरुष है। अब यहाँ पर राज्य पुरुष है, ये दोनों पद अलग अलग है, राज्य पुरुष है अलग अलग है, इन दोनों का एक पद बन जाना क्या बन गया, राजपुरुष है। इसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, और हिंदी में अर्थ क्या हो गया, राजा का आदमी। ठीक है, राज्य यानी राजा का आदमी, कारक चिन्ह आ रहा है का, इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा राजा में, तो राजन शब्द नकारांत में षष्ठी एक वचन में क्या आएगा, राज्ञ, और पुरुष का पुरुष है। ठीक है, यानी राजा का आदमी। इसके बाद आता है समास को समझने हेतु कुछ महत्वपूर्ण समझ, यानी कि समास को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद, यानी कि समस्त पद क्या होता है, समास किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं वो देखो। सामासिक, पहला है सामासिक या समस्त पद, दोनों एक ही है, समस्त पद और सामासिक दोनों एक ही है। सामासिक और समस्त पद राजपुरुष है, ये क्या है, समस्त पद यानी कि सामासिक है। दूसरा आता है समास विग्रह, ये ही उदाहरण है, इसी का क्या कर दिया हमने, विग्रह राज्य पुरुष यानी राजा का आदि। ठीक है, ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। उसके बाद आता है विग्रह दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह बेटा, लौकिक विग्रह का प्रयोग हम करते हैं, अलौकिक विग्रह का प्रयोग हम नहीं करते, इसलिए हमें केवल लौकिक विग्रह ही प्रयोग में लेना है। और लौकिक विग्रह के अनुसार ये जिस प्रकार से ये उदाहरण है राजपुरुष, इसका हमने विग्रह किया राज्ञ पुरुष यानी राजा का आदमी। अलौकिक विग्रह जो है ये व्याकरण के अनुसार करते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग नहीं करते। अलौकिक विग्रह में हो जाएगा राज्ञ नस पुरुष सु। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट हमारा, पूर्व पद तथा उत्तर पद, यानी कि समास में जब हम समास पढ़ेंगे तो उसमें किसी समास में पूर्व पद की प्रधानता होगी, किसी में उत्तर पद की प्रधानता होगी, और किसी में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होगी। तो अब देखो पूर्व पद तथा उत्तर पद, यहाँ पर देखो बेटा वही उदाहरण चल रहा हमारा राज्ञ पुरुष है, तो इन दोनों पदों में यहाँ पर देखो राज्ञ पुरुष है, इन दोनों में देखो ये तो क्या हो गया हमारा पूर्व पद यानी कि प्रथम पद, और ये हमारा कौन सा पद हो गया, उत्तर पद हो गया। उसके बाद आता है समास के भेद। समास में पंचधा, संस्कृत में समास पांच प्रकार के होते हैं। समास में पंचधा यानी संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। पहला है केवल समास, केवल समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, न्याय है, तो इंटरव्यू का, टेबल का पांचवां नंबर है,
तीसरा है तत्पुरुष समास, और चौथा है बहु व्रीहि, बहु व्रीहि समास, और पांचवा है हमारा द्वंद्व समास। इस प्रकार से हमारे समास के कितने भेद हो गए हैं? पांच भेद हो गए। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीही बहुव्रीही समास, और पांचवा है द्वंद्व समास। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये हमारे समास के पांच भेद हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में केवल समास पढ़ेंगे। धन्यवाद।